enough beauty. That's the confidence you have. एक खातून या एक लड़की जितना confident होगी, जितनी determined होगी, जितनी educated होगी, वो उसकी खूबसूरती है. And I think पूरी society को ये चीज़ realize करनी चाहिए कि एक educated लड़की, एक educated खातून जो है वो ना सिर्फ अपने घर को बेहतरीन तरीके से संभाल सकती है बल्कि अपनी ज़िंदगी का हर decision बहुत खूबसूरत तरीके से ले सकती है. तो खूबसूरत बनने के लिए सिर्फ education and confidence. My perception of beauty is that a woman is as beautiful as her heart, is as beautiful as her empathy, is as beautiful as her kindness. Honestly, I don't know why I've never been attracted to beautiful looking people. I've always been attracted to people who exude warmth, who exude positivity, who exude empathy. Mere liye empathy, काइंडनेस, एक दूसरों का एहसास रखना बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए इसी को खूबसूरती कहते हैं. According to my perception, the beauty of a woman is not in her features or in her physical appearance. It's about that how much confident you are about yourself. If you have a confidence, you can make anything look good. एक औरत के अंदर अगर सलाहियत है लेकिन वो पूरा तमाम नहीं है तो वो सलाहियत उसके लिए कामयाबी का जीना साबित नहीं हो सकती. इसीलिए एक औरत की खूबसूरती और उसकी कामयाबी उसके पूरे अहतमाद होने पे है. मेरा जो परसेप्शन है वो ब्यूटी के बारे में ये है कि एक औरत की जो नफासत है और जो उसकी जहानत है वो उसकी ब्यूटी होती है. मुझे लगता है कि जितनी भी ख्वातीन इस वक्त प्रोफेशनली काम कर रही हैं तो बीइंग एन एम्पावर्ड वूमन मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब भी किसी को अगर जज करती हूँ तो उसकी नफासत और उसकी जहानत पे जज करती हूँ. और मुझे लगता है कि कोई भी औरत उस वक्त तक एम्पावर्ड नहीं हो सकती जब तक कि उसके अंदर वो नफासत और जहानत मौजूद ना हो. माय परसेप्शन ऑफ अ ब्यूटी इज प्रीटी सिंपल. इट्स अ वुमन हु इज हैप्पी इन हर ओन स्किन विदाउट बीइंग जेलस और इनसिक्योर ऑफ एनीथिंग और एनीवन. स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हैप्पी. माय परसेप्शन ऑफ ब्यूटी फॉर अ वुमन इज अ स्माइल, आई कॉन्टैक्ट and confidence. I think true beauty is when you discover yourself, you get to know yourself, who you are, what are you made for, what is your purpose, and once you realize your purpose for your creation, then you become the most beautiful thing around. No matter the looks, no matter the age, it's the heart, it's the soul which shines bright and spreads love. That is true beauty to me.